हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसन कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आप देख सकते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हैं उन सभी में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और न सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बल्कि आप इसे इसलिए भी पढ़ें क्योंकि आप एक बेहतर टीचर बने और एक बेस्ट टीचर बन सकें। ठीक है, देखिए, जब लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से उठेगा, मेरी हर बात में, मेरी हर लाइन में क्वेश्चन छुपा है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिए, हु गेव द लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो स्तर हैं वो किसने बताए। तो यहां आपको आंसर देना होगा कि शिक्षण के स्तर हमें बिगी ने बताए। ठीक है जी, हाँ, यहाँ पे आंसर देना होगा आपको कि शिक्षण के स्तर किसने बताए, बिगी ने बताए। अब बिगी ने कहा कि शिक्षण के तीन स्तर होते हैं, पहला स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, दूसरा बोध स्तर जिसे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल या कॉम्प्रिहेंसिव लेवल भी बोल सकते हैं, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल कह लीजिए। अब बात आती है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मृति स्तर का प्रतिमान किसने दिया, मॉडल किसने प्रेजेंट किया, यानी कि कई बार अगर कह देते हैं कि स्मृति स्तर का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है, तो वहां आपको बताना होगा कि स्मृति स्तर का जो हम अधिगम करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं, वो मॉडल हमें हर्बर्ट ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, सो तीनों स्तर के बारे में हमें बिगी ने बताया था, लेकिन स्मृति स्तर की अगर बात कर रहे हैं, मेमोरी लेवल की अगर बात करें, तो वो हर्बर्ट ने हमें बताया था। ठीक है, दूसरी चीज अगर बोध स्तर की बात की जाए कि बोध स्तर के बारे में हमें किसने कहा, तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि बोध स्तर के बारे में हमें मॉरिसन ने बताया। ठीक है, तो बोध स्तर किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। स्मृति स्तर आपने क्या पढ़ा, हर्बर्ट ने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की, चिंतन स्तर की। तो रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर हमें किसने दिया, तो आप याद रखेंगे कि ये हमें हंट ने दिया। पहले ही क्वेश्चन में, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने सबसे पहले ये जाना कि कोई भी चीज किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, वो बिगी ने दिए। अगर उसके तीन लेवल हैं, तीन स्तर हैं, तो कौन कौन से हैं, स्मृति स्तर जो कि हर्बर्ट से संबंधित है, बोध स्तर जो कि मॉरिसन से संबंधित है, और मैंने कहा चिंतन स्तर जो कि हंट द्वारा दी गए प्रतिमान से संबंधित है। ठीक है, अब हम इन लेवल्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो चलिए बिना देरी किए करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और पहला ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेमोरी लेवल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहां बात करूं कि मेमोरी लेवल स्मृति स्तर किस प्रकार का शिक्षण करता है, तो आप मान लीजिए कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, यानी कि जब बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपरिपक्व है, यानी कि अभी पूरा मैच्योर नहीं है, अभी वो इमैच्योर है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे को हम स्टार्टिंग में, जब प्ले स्कूल में, फर्स्ट सेकेंड क्लास में जब पढ़ाते हैं, तो बच्चे को अक्सर चीजें क्या होती हैं, रटंत प्रणाली से पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, रटंत प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे बच्चे ने पोयम याद कर ली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसको अर्थ तो नहीं पता लेकिन राइमिंग स्कीम के थ्रू उसे सारे वर्ड्स जरूर याद हो गए, तो वो कौन से स्तर का शिक्षण था, वो स्मृति स्तर का शिक्षण था। देखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थहीन शिक्षण कौन से स्तर पे किया जाता है, तो अर्थहीन शिक्षण कौन से स्तर पे किया जाएगा, तो आप स्मृति स्तर का नाम लेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा है कि अर्थहीन शिक्षण कहां किया जाएगा, स्मृति स्तर पर, जहां बच्चे को सिर्फ याद करना है 2 1 2 2 2 4 2, है ना, तो उसको क्या है, सिर्फ उसको याद करना है, उसको उसका अर्थ नहीं पता। राइट, तो शुरुआती स्तर पे हम बच्चे को चीजों के नाम से अवगत करा देते हैं, उसको ये तो पता है कि ये काऊ है, डॉग है, इसे लाइन कहते हैं, राइट, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है क्या, तो वो ये समझने के लिए अभी अपरिपक्व है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और क्या क्या जानते हैं कि स्मृति स्तर से क्या होता है, स्मृति स्तर पे किस प्रकार का शिक्षण होता है। मैंने कहा रटंत प्रणाली से होता है, बिल्कुल। इसके अलावा एक इंद्रिय या द्वि इंद्रिय यानी कि सेंसेस के द्वारा बच्चा ज्ञान अर्जित करता है, आप सभी इस चीज को जानते हैं।
या तो देख के बता देगा या फिर सुन के बता देगा, ठीक है। तो एक इंद्रिय या द्वि इंद्रिय, यानी कि देख और सुन के भी कह सकते हैं या फिर देख के भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कहा ज्ञान जो है वो उसे सीमित रूप से होता है, यानी कि चीजों के बारे में ही हैज लिटिल नॉलेज, नॉट अ लिटिल, नॉट द लिटिल, लेकिन हम कहेंगे लिटिल नॉलेज, राइट। अब देखिए दूसरी चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, मैंने एक वीडियो में आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी बताया था कि बेंजामिन ब्लूम ने हमें कहा कि एक टीचर के शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं उनके तीन पक्ष होते हैं। जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक यूज करके उसे देख सकते हैं, उसे जरूर देखिएगा, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं वहां पे बता रही थी आपको कि बेंजामिन ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर बताया कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, इस प्रकार से और उसके सब स्टेप्स हैं, ठीक है। अब बच्चा कहां तक स्मृति स्तर में कहां तक सीमित है, अध्यापक कहां तक पढ़ा सकता है, ज्ञान तक, किसी चीज की परिभाषा याद करा दी, किसी चीज की पहचान उसको याद करा दी, राइट। तो दैट मींस जहां बच्चा किसी चीज को, सूचना को ग्रहण करेगा, उसे रिकॉल कर लेगा, हाँ ये दिस इज काउ, राइट। तो इस तरीके से वो चीजों को जान लेगा, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, बच्चा यहां पे बोध विश्लेषण संश्लेषण करने में असमर्थ है। मैं आपसे कह रही हूं कि निम्न में से किस शिक्षण स्तर के अंतर्गत बच्चा बोध संश्लेषण या विश्लेषण करने में असमर्थ है, आप बताएंगे स्मृति स्तर के अंतर्गत। किसने दिया था स्मृति स्तर, तो नाम मत भूलिएगा, हर्बर्ट ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब जब प्राथमिक स्तर से हम थोड़ा सा उच्चतर की ओर जा रहे हैं तो हम अपने अगले शिक्षण स्तर की ओर चलते हैं, और बेटा अगले शिक्षण स्तर का नाम है बोध स्तर। ध्यान से आप यहां पे देख सकते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अब देखिए जहां अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं, 6th to 8th का बच्चा माइंड में आ जाना चाहिए, 5th to 8th तक का बच्चा माइंड में आ जाना चाहिए। बच्चे को मूर्त रूप से लाइव एग्जांपल्स देके, बहुत सारे उदाहरण देकर चीजें समझाई जा रही हैं, उसे सिखाने के लिए कहीं लैब में ले जाया जा रहा है, कहीं ग्राउंड में ले जाया जा रहा है, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश की जा रही है अध्यापक के द्वारा कि बच्चे को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले से थोड़ा सा मैच्योर होने लगा है, अब उसके सीखने का अधिगम की शैली भी बदलने लगी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमने स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा है कि बच्चा जब बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था की ओर जा रहा है तो मूर्त रूप से चीजों को देखकर उनको अपनी स्मृति में धारण करता है, यानी कि इमेजेस को अपनी मेमोरी में रिटेन करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि बहु इंद्रिय अनुदेशन है, यहाँ जो हम इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं या जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, तो न केवल ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बल्कि कर्म इंद्रियों का भी प्रयोग किया जाता है। ही लर्न्स यूजिंग हिज हैंड्स, हिज फिंगर्स, इस तरह की स्किल्स भी डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। साथ साथ हम कहेंगे कि बच्चा किसी चीज की परिभाषा जानने के अलावा, नाम की पहचान करने के अलावा, अब उसे समझने भी लगा है, उसकी व्याख्या भी करने लगा है, समझ सकता है, किसी चीज को व्याख्या कर सकता है, अपितु ये भी कह सकते हैं कि वह वर्गीकरण भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार से बच्चे की क्षमता बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से शिक्षण का स्तर भी बदलता जा रहा है। हम एक ही लेवल पे हमेशा नहीं पढ़ाते, आप कभी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अलग तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना पड़ेगा, बल्कि जब आप DSSB के लिए प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आप जब नेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको और थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो लेवल बढ़ाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के अनुसार या एक योग्यता के अनुसार धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, बदल रही है, इसीलिए हमारा लेवल भी क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है। एक और खास बात यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि बच्चा तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के सक्षम, तुलनात्मक रूप से यानी कि बच्चा कंपैरिजन कर सकता है, ठीक है, चीजों के बीच में तुलना कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, किस स्तर पे कर सकता है, बोध स्तर का शिक्षण अगर आप कर रहे हैं, बोध स्तर पे यानी कि बच्चे को इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, सो ही विल बी एबल टू यू कैन से कंपेयर, ठीक है। तो वो तुलनात्मक रूप से क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है किसी भी चीज को, इतना वो सक्षम
सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है। ठीक, दूसरी एक चीज यहाँ पे जान लेते हैं कि बच्चा किसी भी ज्ञान को अलग अलग सिचुएशंस पे उसे जनरलाइज करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। दैट मींस कि वह सामान्यकरण कर सकता है, साथ ही साथ कह सकते हैं कि चीजों का अनुप्रयोग कर सकता है। जो ज्ञान उसने लिया है अब उसे वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, सो दैट मींस ये एबिलिटी उसमें डेवलप हुई है। अब यहां तक हमने पढ़ा, एक हमने स्मृति स्तर के बारे में, दूसरा बोध स्तर के बारे में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे, देखिए आगे, चिंतन स्तर के बारे में। ठीक है, जहां चिंतन स्तर की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा बच्चा, नाइन्थ ऑनवर्ड्स, टेंथ ऑनवर्ड्स, आप अगर मैं इलेवन ट्वेल्थ की तो स्पेशली अगर बात करूं, तो दसवीं तक आपकी किताबें, आपकी पुस्तकें सभी चित्रात्मक थी। किस लिए थी? पुस्तकों में चित्रात्मक शैली किस लिए प्रयोग की गई, क्या कारण था? ऐसा एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों की किताबें अक्सर रंगीन क्यों होती हैं, चित्रात्मक क्यों होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि चित्रों का प्रयोग बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति के विकास के लिए था। जहां बच्चे ने दुनिया की चीजों से अभी वो अवगत नहीं हुआ है, तो चित्रों के माध्यम से क्या क्या हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ज्ञान वो सीख पा रहा है। लेकिन अगर हम 10th तक की बात करें तो बच्चा मेंटली मैच्योर हो गया है, बहुत सारी चीजों के बारे में जानने लग गया है। और अब की अगर मैं बात करूं तो गूगल के जमाने में सब बच्चों को सब कुछ पता है, है ना, तो कोई भी चीज किसी से छुपी नहीं है। सो यहां पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जब बच्चा 11th 12th में हुआ है, ठीक है, सो बेटा 11th 12th में अचानक से किताबें रंगीन थी और अचानक से कैसी हो गई, रंगहीन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहां पे बच्चे में एबिलिटी डेवलप हो गई कि वो अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। इज दैट क्लियर? देखिए, मैंने कहा चिंतन स्तर का शिक्षण हम कब करते हैं, तो याद रखेंगे कि नौवीं के उपरांत, यानी कि 11वीं 12वीं या फिर जो आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, तो किस प्रकार का शिक्षण किया जा रहा है वो थिंकिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतन स्तर आप उसे कह रहे हैं। अब यहां पे सोचने वाली क्या बात है, जहां आप स्मृति स्तर पे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पढ़ रहे थे, इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा था, जहां आप बोध स्तर में ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ कर्मेंद्रियों को इंक्लूड कर चुके थे, चिंतन स्तर में आप उसके अलावा सृजनात्मक अनुदेशन आपको मिल रहा है, यानी कि क्रिएटिव इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं, राइट? अब क्रिएटिव इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करूं कि बच्चे के अंदर जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो निकल के आ रही है इस लेवल में, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि बच्चे को समस्या समाधान के लिए सूझ उत्पन्न करना कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशन हो, किसी के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशन हो, लेकिन यहां पे हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे में क्रिएटिविटी पूरी डेवलप होनी चाहिए। ही मस्ट हैव हिज ओरिजिनल थिंग्स, हिज ओरिजिनल नॉलेज, हिज ओरिजिनल सॉल्यूशन, नॉट टू कॉपी अदर्स। हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, ओके? नाउ दूसरी चीज, तर्क व आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। बिल्कुल, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, वो तर्क वितर्क कर सकता है किसी चीज की आलोचना। अब आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखें, आलोचना का मतलब बुराई नहीं है, आलोचना का मतलब है किसी भी चीज के जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप आलोचनात्मक ढंग से उसका शिक्षण कर रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे कि बच्चे में स्वचिंतन व निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, नाउ सेल्फ लर्निंग। अब आप लोगों को कोई बोलेगा थोड़ी कि आप पढ़ लो, आपका एग्जाम है, आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं, राइट? और जहां चीजें अपने इंटरेस्ट से होती है ना, यकीन मानिएगा वहां आउटपुट बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। सो यहां बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है। कौन से स्तर की मैं बात कर रही हूं? चिंतन स्तर की मैं बात कर रही हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे बच्चे पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दैट मींस जब आपने कोई चीज सीख ली है, ठीक है, जब आप निर्णय ले सकते हैं, तो कैसे हो गए हैं पूर्णतः आत्मनिर्भर, यानी कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, राइट? तो आज के इस वीडियो में हमने शिक्षण के स्तर जाने, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। मेरी पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आप करेंगे, उनके आंसर्स आप जरूर दे पाएंगे और सही दे पाएंगे। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।